रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के APS को लेकर आप सभी के हमारी वीडियोस पर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं और आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का APS फिर से बंद हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इस सवाल का आंसर करने वाले हैं और पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि क्या वाकई में SBI का APS बंद हुआ है प्राइवेट पोर्टल पर फिर से। अब से कुछ महीने पहले SBI ने अपने सर्वर में कुछ चेंजेस किए थे SBI APS को लेकर के प्राइवेट पोर्टल पर अब आसानी से पैसा विड्रॉल नहीं हो पाएगा। उसी ग्राहक का पैसा विड्रॉल होगा जिसका मोबाइल नंबर उसके अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो ऐसे ग्राहक जिनका उनके अकाउंट पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं था तो वो किसी भी प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हाँ उनका SBI CSP पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अगर नंबर लिंक है तब भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी वो APS कर पा रहे थे किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP पॉइंट पर, जो कि आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने APS की निकासी बंद कर दी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं रॉयनेट CSP पोर्टल के माध्यम से, तो वहां पर हमने जितने भी SBI ग्राहकों का पैसा निकालने की कोशिश की सक्सेसफुली सबका पैसा निकला। सिर्फ उन्हीं लोगों का पैसा नहीं निकल पाया जिनका उनके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं था। तो अगर आपके पोर्टल पर कोई ऐसी समस्या आ रही है कि आप किसी भी SBI ग्राहक के पैसे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं आधार कार्ड से और उसका पैसा नहीं निकल रहा है, अगर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है, आपका जो कमेंट है हमारी वीडियो में सबसे ज्यादा यही आ रहा है कि फिर से SBI ग्राहक का APS निकालने पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है, कंटिन्यू आप लोग कमेंट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ आंसर यही है कि आप इस बात को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कस्टमर का उसके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं है। डेफिनेटली यहां पे सर्वर ही पूरा काम करता है, यहां पे किसी व्यक्ति का किसी भी इंसान का कोई भी रोल नहीं है SBI के APS निकासी को रोकने का। और अब अगर आपके APS पोर्टल के माध्यम से किसी भी ग्राहक का पैसा निकालने पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है तो आपको डेफिनेटली ये बात को मानना होगा कि उसके अकाउंट में मोबाइल नंबर उसका लिंक नहीं है। जहां पे देखिए अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फॉर द एग्जाम्पल अगर आप अभी एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं SBI ग्राहक का, उसका ट्रांजेक्शन करने के दौरान सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर अगर आ जाता है तो उसी टाइम आप किसी एक ऐसे बंदे का ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कीजिए मोबाइल नंबर उसके अकाउंट में लिंक है, तो आप देखेंगे उसी टाइम उसी APS ID के माध्यम से उस बंदे का ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि आज हमने आपके जिस तरीके से कमेंट हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके देखा है क्या वाकई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का APS निकासी बंद हो गई है। हमने जब प्रैक्टिकल किया तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने एक ऐसे बंदे की फिंगर लगाई अपने डिवाइस पर जिसका उसके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं था, तो वहां पे वाकई में सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ गया। और उसके बाद मैंने खुद का अपना SBI का ट्रांजेक्शन किया तो वहां पे मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया क्योंकि हमारा जो नंबर है वो हमारे अकाउंट में लगा हुआ है। तो यहां पर ओवरऑल प्रैक्टिकल को करने के बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है कि भाई जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही आज भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यानी कि अब से कुछ महीने पहले SBI ने अपने APS सर्वर में कुछ चेंजेस किए थे वही चेंजेस आज भी हैं। अगर किसी भी ग्राहक का उसके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसका पैसा नहीं निकलेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल ऐसा चेक करके देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको भी बात समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।